क्लास 10th क्लास है। आज हम आपको काव्य खंड से पाठ 13 पंडित श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय पढ़ाएंगे और ये काव्य खंड का 13वां और अंतिम चैप्टर है। तो सबसे पहले हम आपको इनका जीवन परिचय बता देते हैं। पंडित श्याम नारायण पांडे जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को आजमगढ़ डुमरावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम बताशो देवी तथा पिता का नाम श्री रामाज्ञ पांडे था और इनकी रचनाएं हल्दी घाटी, जौहर, जय पराजय, शिवाजी तुमुल आदि। शैली इनकी भाषा थी तत्सम प्रधान तथा बोलचाल और शैली है वीररस शैली। इनकी मृत्यु हुई थी सन 1991 ईस्वी में और ये विशेष रूप से वीर रस के कवि थे और इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो पंडित श्याम नारायण पांडे जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हल्दी घाटी, जौहर, जय पराजय, शिवाजी तुमुल आदि और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1991 ईस्वी में और ये क्या थे कि विशेष रूप से ये वीर रस के कवि थे। पंडित श्याम नारायण पांडे जी वीर रस के सुप्रसिद्ध कवि ही नहीं वरन अपने ओजस्वी वाणी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने की अद्भुत क्षमता रखते थे। सन 84 वर्ष की अवस्था में ही इनकी वाणी में जो जोश और कड़क आवाज़ विद्वान थी वह युवाओं को भी लज्जित कर देती थी। पंडित श्याम नारायण पांडे जी का जन्म श्रवण कृष्ण पंचमी सन 1907 ईस्वी में ग्राम डुमरावा जनपद आजमगढ़ में हुआ था। पांडे जी के पिता का नाम रामाज्ञ पांडे तथा माता जी का नाम बताशो देवी था। आरंभिक शिक्षा के बाद श्याम नारायण पांडे जी ने संस्कृत अध्ययन के लिए काशी, वर्तमान जिसे वाराणसी नाम से जाना जाता है, वहां पर इन्होंने संस्कृत का ज्ञान अध्ययन किया। काशी से वे साहित्याचार की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। स्वभाव से सात्विक, हृदय से विनोदी और आत्म से परम निर्भीक स्वभाव वाले थे। आपके स्वास्थ्य पुष्ट व्यक्तित्व में शौर्य और सरलता का मिश्रण था। आप द्विवेदी युग के कवि थे। इन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में स्थापित किया। डुमराव में आपने अपने घर पर रहते हुए सन 1991 ईस्वी में 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। मृत्यु के 3 वर्ष पूर्व आकाशवाणी गोरखपुर में अखिल अभिलेखागार हेतु इनकी आवाज़ में उनके जीवन का संस्मरण रिकॉर्ड किया गया था। हल्दी घाटी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन और जौहर में चित्तौड़ की रानी पद्मावती का आख्यान है। हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध महाकाव्य पर उस समय का सर्वश्रेष्ठ सम्मान देव पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था। इसी प्रकार इनका दूसरा महाकाव्य जौहर भी अत्यधिक लोकप्रिय हुआ, जिसमें चित्तौड़ की महारानी पद्ममणि वीरांगना चरित्र को चित्रित किया गया। पंडित श्याम नारायण जी की प्रसिद्ध रचनाएं हल्दी घाटी सन 1937 ईस्वी में लिखी गई, जौहर सन 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई, तुमुल रूपांतरण, आरती का जय हनुमान जो कि काव्य संग्रह है, गोरा बध, आंसू के कण अप्रकाशित काव्य में परशुराम और वीर सुभाष आदि हैं। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध पर लिखा गया एक प्रबंध काव्य है। प्रताप के इतिहास, प्रसिद्ध शौर्य, त्याग, आत्म बलिदान, जातीय गौरव भाव के प्रेरक आधार बनाते हुए कवि ने मध्यकालीन राजपूती मूल्यों को अत्यंत श्रद्धा और पूजा के छंद पुष्प अर्पित किए हैं। भाषा शैली, भाषा नाद से आगे बढ़कर
भाषा नाद से आगे बढ़कर भावो उत्साह को दृष्टि से कवि ने रचना को रसमय बनाया। यह भाषा नाद और अंतर्भाव का सामंजस्य कवि कला की नूतनता का प्रमाण है। बीच बीच में सुंदर प्राकृतिक वर्णनों की उत्फुल्लता योजना हुई। भाषा तत्सम प्रधान होकर खड़ी बोली में उर्दू शब्दों का भी प्रयोग होता है। अपने काव्यों में आपने वीर रस शैली का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य में स्थान पांडे जी द्वारा रचित जौहर नामक महाकाव्य में 21 चिरांगनियों में पदम्बनियों का चित्रण है। इसी प्रकार हल्दी घाटी में 17 सर्गों का राणा प्रताप के शौर्य तथा पराक्रम का अद्वितीय वर्णन करके यह शरीर से आज भी जीवित है। तो ये हो गया श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय, जिसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इनका लिखा जो हल्दी घाटी खंड काव्य है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।